हेलो कक्षा 9 गणित वाली स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 2J। 2J के बहुविकल्पी सवाल है। इसमें लिखा है एक्स पावर 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो क्या जोड़ा जाए। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या जोड़ा जाए। तो जोड़ने वाली जो संख्या होगी, जोड़ने वाली जो संख्या होगी 2√, इसका वर्गमूल ले लेंगे x4 × 4 का। तो क्या इसमें 2x² × 2 यानी कि 4x² क्या जोड़ा जाए, 4x² जोड़ा जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर अगर देखा जाए तो x4 + 4 + 4x² अगर देखा जाए तो ये किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, x² + 2 का पूर्ण वर्ग। यह है इसका अगर देखा जाए तो ये बताना आंसर। तो आंसर यहाँ हो गया, ठीक है। चलिए भाई अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही है सारे क्वेश्चन इसमें। इसमें देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक और क्वेश्चन है, जैसे लिखा है 9वां क्वेश्चन है, लिखा 16x² + 25y² पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। इसमें लिखा है तो यहाँ पर जोड़ने के लिए जोड़ने वाली जो संख्या होगी यानी कि जो पद होगा इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2√16x², इनका क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे 25y², तो 2 और 16 का वर्गमूल 4, x² का x और यहाँ × 5y आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 × 8 = 45x² यानी कि 4x² जोड़ा जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर देखा जाए ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको भी देख लें हम तो जैसे लिखा है 16x², ठीक है, प्लस 25y² अगर जोड़ दें इसमें 40xy जोड़ दें तो देखिए पूर्ण वर्ग बन जाएगा किसका, 4x + 5y² बन जाएगा। ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये चेक हो गया, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 12वां क्वेश्चन है, x4 + 4 ऊपरी ऐसा क्वेश्चन है को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना तो जोड़ने व घटाने की घटाने वाली जो संख्या होंगी इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है इसमें। तो प्लस माइनस यानी कि 2√x^4 और 4 तो इसका क्या प्लस माइनस यानी कि 2 और यहाँ x² × 2 तो 2 × 4 + −4x² यानी कि जोड़ने और घटाने वाली जो संख्या होगी, जोड़ने या घटाने वाली संख्या ये होगी तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि x4 + 4 और इसमें जोड़ दें 4x² जोड़ दें, 4x² घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बनाकर इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये किसका पूर्ण वर्ग है, x² + 2 का होल वर्ग है देखिए, और ये किसका, 2x का होल वर्ग। अब क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, दो पदों के वर्गों का अंतर सूत्र है यानी a² - b² वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो एक बार x² + 2 एक बार जोड़ देंगे 2x और एक बार आ जाएगा तुम्हारा x² + 2 - 2x तो ये तुम्हारा गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 2K का जो क्वेश्चन है इसमें शेषफल बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि y^4 - 3y² y + 2y + 1 में y-1 से भाग देने पर शेषफल, y-1 से भाग देने पर शेषफल बताना है। तो शेषफल बताने के लिए शेषफल निकलेगा y-1 = 0 तो y = क्या रख देंगे इसमें, 1 रख देंगे इसमें। तो शेषफल जो आएगा इसमें शेषफल 1 रखेंगे तो जो आएगा वो शेषफल होगा 1^4 - 3 1^2 + 2 1 + 1 तो 1^4 एक ही आएगा, और यहाँ पे 1^2 एक ही आएगा, 3 का गुणा 3 आएगा +2 + 1 तो देखिए 2 × 1 = 3 1 + 4 = 4 में 3 क्या बचेगा 1 तो क्या इसमें शेषफल आएगा, 1 आएगा शेषफल।